अक्सर इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि यार मुझको ऐसी परेशानी हो गई है कि मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, थोड़ा आराम भी मिलता है, लेकिन जैसे ही दवा छूटती है या उम्मीद जगता है तब तक निराशा हाथ लग जाती है दोस्तों, और ये समस्या जा नहीं रही। ऐसी परेशानी जिसको लेकर के मेंटली और फिजिकली आप परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए, डॉक्टर प्रयास भी करता है लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक ऐसी समस्या जिसे आए दिन हम आप और हमारे समाज के लोग इसे अवश्य फेस करते हैं। दोस्तों आज बात हम करेंगे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। स्पॉन्डिलाइटिस तो आप अक्सर जानते ही होंगे, इसके बारे में हमने अपने YouTube पर आपको जानकारी दिया भी है, लेकिन आज मैं आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे। दोस्तों एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मींस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस इंक्लूडिंग स्पाइन एंड लार्ज ज्वाइंट, यानी कि स्पाइन में और लार्ज ज्वाइंट की एक ऐसी सूजन, एक ऐसी दर्द जो आपके जीवन स्तर को प्रभावित करती है, उसे हम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मेल के केस में ज्यादा होता है। अगर रेशियो की हम बात करें तो 3:1, यानी कि अगर 3% मेल है तो 1% जो है फीमेल। और अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों देखिए, इसमें चूंकि स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है और स्पाइन से रिलेटेड जो भी पार्ट होते हैं, जैसे सपोज करिए आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, आपके इलियक रीजन सैक्रो इलियक रीजन में पेन हो रहा है, और कभी कभी हील में पेन होता है, तो समझ लीजिए कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें दोस्तों इसके साथ ही साथ आंखों में लाली, स्टूल में ब्लड, और इसके साथ ही साथ सबसे जो पिकुलियर चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि अगर आप देखिए, दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये आर्थराइटिस भी हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, बट एक जो पिकुलियरिटी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस तरह की चीजें हो तो दोस्तों आप इस बीमारी के बारे में अवश्य सोच सकते हैं। जैसे स्लाइट मोशन से एग्रेवेशन हो रहा, अब आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे आप लेटना चाह रहे हैं, बैठे हैं, अब देखिए मैं बैठा हूं, बैठने के बाद अगर जैसे ही थोड़ा सा हिला, बहुत तेज दर्द, यानी कि जरा सा मोशन भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यू आर सफरिंग फ्रॉम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब हम बात करें इसके कारण की, तो कारण में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप बाइक ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक पोजीशन में एक कंडीशन में लगातार बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपके कमर में दर्द हो रही, आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, दोस्तों निश्चित रूप से आप कुछ ही समय में एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के चपेट में आने वाले हैं। तो कृपया आप ध्यान रखें, पोजीशन को चेंज करें और हर छोटी से छोटी दर्द को आप इग्नोर मत करें। अब दूसरी चीज है कि ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में अगर देखा जाए तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। जैसे अब ऑटो इम्यून डिजीज में हम कैसे समझेंगे, देखिए दोस्तों हमारे शरीर की ऊपर वाले ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ऑटो मतलब होता है खुद से, इम्यून माने हमारा इम्यून सिस्टम, और डिजीज माने बीमारी, यानी कि हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए ऊपर वाला ने हमारे शरीर में कुछ ऐसे
कंडीशन दिए हैं, कुछ ऐसे क्षमता दिए हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर रोग से लड़ता है। और अगर वही कंडीशन वही क्षमता हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव करने लगे तो इस तरह की समस्याओं को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। दोस्तों एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का चैप्टर है। दूसरी आप हम जो है बात करते हैं कि मैनेजमेंट की। देखिए दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है मैनेजमेंट। किसी भी ट्रीटमेंट के पहले मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। अब मैनेजमेंट के तौर पे क्या है कि अगर आपको दुर्भाग्य से इस तरह की समस्या हो गई है तो सबसे पहले आप अपने जीवन स्तर को, जीवन स्तर में क्या है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं और कुर्सी पे बैठ करके आपको लगातार एक पोजीशन में बैठना है तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके रहना है, बीच बीच में थोड़ा सीधा होइए और कुछ योग का सहारा लीजिए। और दूसरी चीजें खान पान में देखिए इसके साथ महत्वपूर्ण चीज क्या है, ऑयली चीजें, चिकनी चीजें, ठंडी चीजें बहुत ही नुकसानदेह। अब बात हम करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के तौर पे दोस्तों हमने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही आपसे बताया है कि अक्सर आपको अगर आप खास तौर से और चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेते हैं, फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं या एलोपैथिक या इस तरह के जो मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि दवा जब तक की जाए, फिजियोथेरेपी जब तक किया जाए तब तक पेशेंट को थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ता है वैसे उसकी कंडीशन में से दोस्तों बात मैं करूंगा होम्योपैथी के। देखिए दोस्तों इस बीमारी का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, चूंकि ये दवा उस बीमारी के कारण को ही दूर करती है तो कारण जब दूर होगा तो निश्चित रूप से समस्या का निवारण जरूर होगा। दोस्तों कुछ मैं मेडिसिन आपसे जिक्र करूंगा, उसके बारे में जानकारी कर लीजिए और बेहतर तो ये होगा कि अपनी समस्या को आप अपने क्षेत्र के कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें और उसको अपनी सारी बातें बिल्कुल तन्मयता के साथ बतावें, इसलिए कि होम्योपैथी में हर आपकी समस्या, हर आपके फीलिंग, हर आपके सिम्टम का बहुत बड़ा महत्व है। कौन सा सिम्टम डॉक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये डॉक्टर समझ सकता है, इसलिए बताने में जरा भी आप कंजूसी न करें, सारी बात डॉक्टर को बताएं। दोस्तों मैं बात करूंगा मेडिसिन की, तो मेडिसिन में सबसे नंबर एक की दवा है दोस्तों आरटी। आरटी के बारे में कहा गया है कि जब आप काम करते रहते हैं तो आपको समस्या कम दिखती है, दर्द कम होती है। जैसे ही आप बैठे हैं, बैठने के बाद जैसे उठते हैं आपकी दर्द बढ़ती है और जब आप लगातार कुछ देर तक काम करने लगते हैं, चलने लगते हैं, मोशन में हो जाते हैं तो आपकी समस्या कम हो जाती है। अगर इस तरह की परेशानी है, इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहा है तो आरटी 30 में 5-5 मिनट सुबह शाम आपको कुछ ही दिन लेने के बाद आराम हो जाएगा। और अगर समस्या बहुत पुरानी है तो आपको कुछ दिनों तक, जैसे 2-3-4 महीने तक अगर दवा कंटिन्यू रखना पड़े तो किया जा सकता है। इसके साथ दोस्त दवा है ब्राइनिया। ब्राइनिया में क्या है कि जैसे सपोज करिए आप सोए हुए हैं और सोने के बाद आपको जरा सी करवट बदले और करवट बदले में जरा सा मोशन हुआ और मोशन से आपको पेन हुआ, दोस्तों ब्राइनिया। दोस्तों कभी कभी देखा जाता है कि कुछ हम लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं सोता हूँ तो ऐसे कंडीशन कर सकते सोता हूँ कि जरा भी मेरा शरीर हिले ना, लेकिन देखिए जैसे डॉक्टर साहब हिलता है मेरी नींद खुल जाती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ। दोस्तों इस तरह की कंडीशन के लिए ब्राइनिया 200 में 5-5 बूंद सुबह शाम लीजिए, कुछ ही दिनों में आपको बहुत आराम। दोस्तों अगर कभी कभी आपको देखे होंगे
कि ऐसा लगता है कि दर्द मुझे नसों में हो रही है। अगर इस तरह की फीलिंग हो, ऐसा लग रहा है कि दर्द जो है रेडिएट करके नसों में जा रहा है, आपको हाइपेरिकम है और दर्द हाइपेरिकम की 200 पावर सुबह शाम लेंगे। और देखिए ध्यान से, दर्द अगर बहुत तेज है, आप बेचैन हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीशिया फास्ट 6x में 4-4 गोली गर्म पानी से सुबह दोपहर शाम आप लेंगे, इसके साथ ही साथ और बहुत सी दवाएं हैं, ग्वेकम है, काली कार्ब है, लीडम पाल है, कैलमियाले की गोलियां है, इस तरह की दवाएं भी इस बीमारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित है। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ जानकारी हासिल करना है, अपने सिम्टम के द्वारा मेडिसिन को जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपनी परेशानी को लिख करके मुझसे दवा के जानकारी ले सकते हैं, या अगर वो भी समय नहीं है तो वीडियो पे चल रहे हुए मेरे नंबर को फोन मिलाइए। डॉक्टर SB तिवारी कल्याण जी आपकी सेवा में जरूर आपकी मदद करेंगे। अगर फोन एक दो बार ना उठे, मैं मान लीजिए व्यस्त हूँ, तो आप फोन दोबारा कर लें, तिवारा कर लें, मैं आपकी सेवा में जरूर तत्पर हूँ। दोस्तों इस तरह की समस्या से आप कैसे छुटकारा पाए, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, निरोग रहें। डॉक्टर SB तिवारी YouTube पे आपको एक ऐसा चैनल जो नित्य नई जानकारियों से भरा हुआ ज्ञान आपके प्रति लाता रहता है, देता रहता है। आप मेरे चैनल को अगर अभी तक संयोग से नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं, दोस्तों आप निश्चित रूप से बहुत जो है जानकारी भरी चीजों से महरूम हो जा रहे हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई चीज आपके YouTube पर डाली जाए, आप तक तुरंत पहुंचे और आप तुरंत उसका बेनिफिट उठाएं। दोस्तों अगले एपिसोड में मैं आपसे पुनः किसी नए टॉपिक पर अवश्य मिलूंगा। आपका दोस्त डॉक्टर SB तिवारी नित्य नई जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करता रहता है। तो आप मेरे सारी बातों को ध्यान से सुनिए और हर बात को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।